ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बशीर मेहंदी वाला मुंबई। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बदलापुर खरवई MIDC की एक कंपनी में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। धमाके में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 4 मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब धमाका हुआ, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बदलापुर खरवई MIDC में सुबह सुबह आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। MIDC में स्थित VK केमिकल कंपनी में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई। कंपनी में 4 से 5 बड़े धमाके हुए हैं। इस धमाके के झटके 4 से 5 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए हैं। इस धमाके में एक मजदूर की मौत हो गई है जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस कंपनी के बाहर बताया जा रहा है कि 2 टेम्पो खड़े थे। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि सबसे पहले एक टेम्पो में केमिकल में आग लगी और फिर आग कंपनी तक फैल गई। बदलापुर, अंबरनाथ, आनंद नगर MIDC फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आज सुबह सुबह ये जिस तरह से धमाका हुआ, ये काफ़ी दिल दहला देने वाला धमाका था और 5 मजदूर इसमें घायल हुए थे, जिसमें से 1 मजदूर की मौत हो गई है जबकि 4 मजदूर अभी घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।